बेस्ट एलिमेंट है कि यहाँ पे घोड़े हैं, हॉर्स राइडिंग। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, आज मैं आया हूँ फरीदाबाद में। ऑलरेडी दो ब्लॉग शूट कर चुका हूँ, तीसरा ब्लॉग स्टार्ट कराई है मैंने। एंड मैंने ब्लॉग स्टार्ट इसलिए मरना तेरे को डर नहीं लगता एंड मैंने ब्लॉग स्टार्ट इसलिए करा क्योंकि मैं बहुत अमेजिंग कैफे एक्सप्लोर करने वाला हूँ। थोड़े दिन पहले मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था ये, एंड मेरा उसी दिन मन कर गया था कि ये कैफे तो आप लोगों के साथ शेयर करने ही वाला हूँ, क्योंकि यार उसमें बहुत कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो आपका देखना बनता ही है। सो चलो साथ में ये कैफे एक्सप्लोर करेंगे एंड उसके अलावा भी बहुत कुछ बातें करेंगे। एंड होपफुली रणवीर ज्वाइन करेगा क्योंकि उसकी छुट्टी का टाइम हो गया है एंड उसका ऑफिस यहीं आसपास है, मतलब यार थोड़ा दूर है बट हाँ ही कैन कम ऑब्वियसली। तो ये सब अपडेट है अभी का, मैं जस्ट वॉक करते हुए जा रहा हूँ क्योंकि जहाँ मैंने पिछला वॉक ब्लॉग शूट करा था वहाँ से ये 10 मिनट दूरी है, तो मैंने कहा वॉक करते हुए चलते हैं। तो चलो ब्लॉग स्टार्ट करते हैं एंड होपफुली आपको पसंद आने वाला ब्लॉग। तो अगर पसंद आए आगे जाके तो लाइक कर देना, इस वीडियो को सब्सक्राइब कर देना एंड अपने दोस्तों से जरूर शेयर। चलो मैं लोकेशन पे पहुँचता हूँ और आपको दोबारा मिलता हूँ। सो गाइस, मैं कैफे के जस्ट सामने हूँ एंड यार यहाँ की तो वाइब ही अलग है, इतनी शांति कामनेस, बड़ी पॉजिटिव सी वाइब है यहाँ। बाकी तो देखो वहीं जाके पता लगे, एक रील देखी थी एंड उसके वजह से मुझे बहुत डिफरेंट लगा था, इसलिए मैं एक्सप्लोर करने आया हूँ बिकॉज समवेयर आई रियली लाइक जो थोड़ी हट के चीज़ें बनती है ना एंड बड़ी डिफरेंट सी होती है, मुझे बड़ा उनसे ना कनेक्शन फील होता है कि यार चलो कुछ नया ट्राई करेंगे, क्योंकि यार वो ही चीज़ें एक्सप्लोर करते रहो पक जाते हैं यार। बेस्ट एलिमेंट है कि यहाँ पे घोड़े हैं, हॉर्स राइडिंग, एंड आपको घोड़ों के साथ एक्चुअली टाइम स्पेंड करने का टाइम मिलेगा। चलो मैं आपको वही टूर करवाता हूँ। There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. Our first time, our first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time, to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. वाइब देखिए आपने, क्या अमेजिंग वाइब है यार कैफे की। एंड इसके अलावा देखो यार यहाँ पे झूले वूले भी लगे हुए हैं। ये एक्चुअली कैफे के अलावा ना फरीदाबाद फार्म या फिर कुछ उनका क्लब व्लब भी है, तो इसलिए यहाँ पे हॉर्स राइडिंग वगैरह भी है। एंड यार ये कितना वाइबी है, मतलब आई जस्ट फेल इन द लव विद दिस कैफे। सो गाइस, मैं वहाँ से निकल गया हूँ, क्यों नहीं खाया मैंने बताता हूँ कि रन से मेरी बात हुई है, रन को ये बहुत दूर पड़ रहा है, सो इट्स बेटर कि मैं रन को डायरेक्ट मिलूँ एंड फिर वी विल गो समवेयर एल्स और वी विल गो होम। बट यार क्या ही वाइब है यार इस जगह की, इट जस्ट अमेजिंग, लाइक क्या बोलो, आई एम रियली हैप्पी कि एटलीस्ट आई विजिटेड दिस प्लेस। एक्चुअली मैं कुछ खा भी सकता था, मैं सोचा कॉफ़ी ले लेता हूँ, बट रन की हो गई छुट्टी और वहाँ वेट कर रहे हैं और मुझे यहाँ से जाने में ऑलरेडी अभी हाफ एन आवर लगेगा, सो इट्स गोइंग टू टेक लाइक थोड़ा सिनेरियो वैसा हो गया, बट इट्स अमेजिंग प्लेस। प्राइस की बात करूँ थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बट ठीक है, इट्स वर्थ इट क्योंकि देख रहे हो ना आप, मुझे नहीं लगता ये चीज़ आपको दिल्ली NCR में कहीं मिलेगी, तो चलेगा इतना। तो चलो अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, रन से मिलता हूँ, जो भी प्लान होता है अपडेट करता हूँ आपको साथ में और फिर करेंगे वही प्लान। चलो बाय गाइस, मैं ना रन के ऑफिस आ गया था, वहाँ से कैसे से धीरे बोलूँगा। ये देखो इसके ऑफिस का भी टूर ले लो, मेरे लिए कॉफ़ी बनती है। This is our office pool. हम खेलेंगे। Hey guys, it's another day, another morning तो नहीं हो रही, वैसे शाम हो रही है। देखो आज बनाई है कॉफी सर जी ने, एक सर जी ने कॉफी बनाई है, सर जी बैठ के ऑफिस का काम कर रहे हैं, कैश हो ये बैठा हुआ। एंड कल हम आ गए थे ऑफिस से, ऑब्वियसली ज्यादा नहीं दिखा सकता था, थोड़ा बहुत जितना दिखा सकता था उतना दिखाया मैंने, तो मैं सोचा यार ब्लॉग तो कंटिन्यू कर लूँ। तो मैं कॉफी पीता हूँ फिर आपको दोबारा मिलता हूँ, आज कुछ प्लान तो है हमारा शाम का, वी विल फिगर दैट आउट कि है भी या नहीं है, है तो कहाँ का है। okay.
तेज। कैच देख रहा है कि कितना पागल हो गया ये। इसको बोल, अगर मैं कुछ भी बोलता हूँ ना इसको कि ये कुछ बोल देता है पीछे से, फिर मैं बोलता हूँ तेज बोलता है, जैसे इसने बोला हेलो तो बोलेगा हेलो। और कैसे इसे देखता है जब मैं कैमरे में बात करता हूँ, वो मैंने बहुत सारी ब्लॉग में बता रखा है। चलो मैं कॉफी पीता हूँ। क्या चल सकते हैं? नहीं तो मलवान तो ट्यूजडे को भी चल सकते हैं, मतलब देखते हैं प्लान आउट करते हैं। बट मैं कॉफी पी लूँ पहले, देखो आज रन्ने बनाई है। चलो आपको बताता हूँ कैसी बनाई है। क्या इसमें अभी भी वो बात रह गई है शेफ वाली या गई खत्म? क्या बोला तूने अभी? अच्छी चीज बनाता मेरे से बेटर। अब कोल्ड कॉफी, चीनी बहुत है और वो क्रीमीनेस नहीं आ पा रही है जो कॉफी कैपुचिनो कह रहा था, कैपुचिनो में आता है। चलो मैं कॉफी पी के आपको मिलता हूँ, बाय। तूने पेट की नहीं बनाई? मतलब आज मैंने इसको इतने टाइम बाद बोला है कॉफी बना दे, वो भी बोले तूने पेट की नहीं बनाई? अरे भैया जमा रखी थी इन। तो वो जब तू तो चीनी में डालता तो वो फिट जाती, वो इतना कोई लॉजिक नहीं है। तो दूसरी ले लेता, ज्यादा पानी डाल, मुझे बोलता है दूसरी दे देता नया पैकेट निकाल के। आपको कहाँ जाने? कहाँ कहाँ? अगेन आई एम बैक एंड अभी मैंने इंस्टा स्क्रॉल करता रन के अकाउंट में एंड ना कुछ इन फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स की फोटो आई सामने। मैंने कहा यार मुझे भी ऐसी बॉडी करनी है, मैं डाइट करूँगा। तो आपका क्या रिप्लाई था? मेरे को भी बना। नहीं 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 ऐसे ही जैसे बताया था। पर ये आ जाता है प्रॉब्लम ऑफ एवरी पर्सन हु वांट्स टू गेट फिट इस खाना बीच में आ जाता है, क्या करें? खाने से प्यार करें या अपने एब्स से? समझ नहीं आता। खाना छोड़ा नहीं जाएगा और बिना छोड़े बॉडी बनेगी, बिना छोड़े बॉडी बनेगी। और सर इसके तो सब्सक्रिप्शन भी चल रहा है, वो भी पॉज पे है, 2 महीने से पॉज पे है सब्सक्रिप्शन। तो सीधा जिम जाने का भी प्लान कर सकता है पॉज करने के लिए। वो ये मंडे से जाएंगे बट वो मंडे कभी आता नहीं है। 1 साल का सब्सक्रिप्शन 2 साल चलाएगा देखना, आप मैं शर्ट से बता सकता हूँ आपको। वेस्ट तो नहीं हो रहा ना एटलीस्ट दैट्स अ। चलो अब मैं दोबारा और थोड़ा इन्फ्लुएंस होता हूँ और मैं बॉडी बना के मिलूंगा आपको। कह रहे हैं मुझे पागल बनाते हैं ये लोग।